हाँ तो दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित हैं। आज हम क्लियर करने वाले हैं, चाहे वो सेवेंथ क्लास के लड़के हों, एट्थ क्लास के लड़के हों, नाइन्थ क्लास के लड़के हों या टेंथ के लड़के हों, सभी के मन में कन्फ्यूजन रहता है दो चीज़ों में, एक सर्वांगसम और एक समरूप में। इस सर्वांगसम क्या होता है, ये समरूप क्या होता है, देखिए एक आता है समरूप और एक आता है सर्वांगसम। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है, समरूप और सर्वांगसम। समरूप जो होता है ना, ये किसे कहते हैं, तो समरूप, देखिए समरूप यानी जिसका रूप क्या हो, सम यानी बराबर, इसी में छिपा हुआ है इसका डिफिनेशन। समरूप यानी जिसका रूप का हो, सम हो यानी बराबर हो। तो जिस आकृति का रूप बराबर हो उसे ही हम लोग समरूप कहते हैं। और सर्वांगसम क्या है जी, तो सर्वांगसम है कि इसका आकृति तो सेम होइबे करेगा, आकृति का होगा, आकृति सेम होगा यानी आकृति बराबर होगा, और जो भी आकृति दी होगी उसका मान भी होगा, वो भी क्या होगा, बराबर होगा, उसे ही सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन समरूप समान रूप वाले, देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये वृत्त दिया हुआ है, ठीक, ये इसका जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, समझिएगा, इसका जो त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ये तीनों क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। तो ये तीनों वृत्त क्या समरूप है, ये तीनों वृत्त समरूप है, तो हाँ जी समरूप है। क्यों, कैसे, तो क्योंकि इसका जो रूप है ना तीनों का, वो सम है यानी बराबर है। रूप का है बराबर का है कि तीनों वृत्त ना है, रूप इसका तीनों का है, वृत्त का है, माप क्या है, इससे मतलब नहीं रहता है समरूप में, बस वो जो आकृति है वो क्या है, तीनों एक ही है तो ये समरूप है, तीनों एक ही है तो ये क्या है, समरूप है। तीन हो, दो हो, चार हो, ये समरूप है। अब देखिए सर्वांगसम क्या होता है, जिसकी आकृति भी सेम हो तथा मान भी उसका सेम होना चाहिए, यानी जो इसका त्रिज्या का मान आया है अलग अलग, यदि इस सभी का मान आ जाए, यहाँ पर एक छोटा सा भी आकृति बना दे, सबका मान ही 2 ही cm आ जाए, 2 cm, यहाँ पर भी एक त्रिज्या वृत्त मान लीजिए है 2 cm, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ठीक, ये भी 2 cm, ये भी 2 cm, ये भी 2 cm, तो इसका मान भी क्या है, इक्वल है, और ये जो आकृति है ये भी इक्वल है, अतः क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। अब एक डाउट क्लियर होता है कि क्या ये आकृति समरूप भी हो सकती है, ये आकृति समरूप भी हो सकती है, तो हाँ समरूप हो सकती है, क्योंकि तीनों का आकार क्या है, बराबर है। तो एक चीज और आप याद कर लीजिए कि जो आकृति सर्वांगसम होगी वो समरूप भी हो सकती है, जो आकृति सर्वांगसम होगी वो समरूप भी हो सकती है, लेकिन जो आकृति समरूप होगी वो सर्वांगसम नहीं हो सकती। क्या है, कहेंगे सर्वांगसम 2 रूल फॉलो करता है, एक हो मान भी, माप भी उसका बराबर होगा, आए हो आकृति सेम होगी, आकृति एक समान होगी। इसमें क्या होता है, सिर्फ आकृति ही एक समान रहती है, आकृति ही एक समान रहती है, बाकी मान अलग अलग होता है। तो ये दोनों में है, ये वो चीज वही वाला इसमें है ना जी, तो ये वाला ही हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। क्या है, कि इसमें माप है भी नहीं, कि माप से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए टोटल आकृति जो सर्वांगसम होगी वो समरूप हो सकती है, लेकिन जो आकृति समरूप होगी वो सर्वांगसम नहीं हो सकती है। क्लियर जो था, जितने भी बच्चों का, चाहे वो सेवेंथ में हो या टेंथ में हो, नाइन्थ एट ट्वेल्थ तक भी ये क्लियर नहीं हो पाता है कि हाँ ये समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होता है, तो समरूप और सर्वांगसम में कोई अंतर नहीं है जी, बस छोटा सा अंतर है कि समरूप यानी जिसका रूप सेम हो, जिसका रूप क्या हो, सेम हो। यदि एक वर्ग दिया हुआ है आपका, वर्ग, तो ये वर्ग तीनों है ना, इसका मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, इसकी जो भुजा के मान है क्या है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उससे मतलब नहीं है, यह है क्या, वर्ग है, तो ये समरूप है। अब यदि इसका मान तीनों का दे देगा 1 1 1 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस सर्वांगसम के साथ साथ समरूप भी होगा, सर्वांगसम के साथ साथ समरूप भी होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आकृति समरूप होती है वो सर्वांगसम नहीं हो सकती, लेकिन जो आकृति सर्वांगसम होती है वो समरूप हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।